नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देते हैं। साथ ही इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ पांच मेहमान होंगे। अखिलेश जैन है टेक्निकल IQ से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ ही हमारे साथ DD कॉटन के MD होंगे, जिनसे हम बात करेंगे कॉटन के बारे में कि कॉटन की अराइवल की क्या स्थिति है, किस तरह की दिक्कतें हो रही है ग्राउंड को लेकर, डिमांड का सिनेरियो क्या है, किस तरह की सप्लाई है। साथ ही हमारे साथ महावीर गुप्ता होंगे, जिनसे हम बात करेंगे धनिया और जीरे की ग्राउंड की रिपोर्ट लेंगे। और साथ ही हल्दी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता होंगे, चेयरमैन हैं NCDX के हल्दी कमेटी के। आप सभी मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको टॉप 10 खबरें बता देते हैं कि आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें, दोनों ही काउंटर पर दबाव है। 300 रुपए के आसपास सोना और 400 रुपए के आसपास चांदी की गिरावट है। क्रूड की बात करें तो यहां पर भी 0.5% तक की तेजी दिख रही है। कल 1% तक की तेजी दिखी थी। $76 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस पर मामूली दबाव है, 198 रुपए के आसपास। कॉपर दायरे में कारोबार हो रहा है, हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है, 716 रुपए के आसपास। एग्री मार्केट की बात करें तो ग्वार गम, ग्वार सीड, यहां पर गिरावट अब बढ़ती जा रही है। 10,600 के आसपास ग्वार गम आ गया है, 5,400 के आसपास ग्वार सीड का वायदा आ गया है। कैस्टर की बात करें तो यहां पर भी दबाव है, 5,800 के आसपास। हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों ही काउंटर में आज भी बिकवाली दिख रही है। तीनों में मुनाफा वसूली का दबाव दिख रहा है, हालांकि धनिया लगातार यहां पर बिकवाली हावी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं, क्योंकि 60,000 के नीचे गोल्ड आ चुका है और चांदी भी 72,500 रुपए के नीचे है। अखिलेश जी, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे, आपको लग रहा है सही लेवल है एंट्री के लिए गोल्ड और सिल्वर का? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए यहाँ पे एक नई खरीदारी के लिए, बिकॉज अगर हम देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूस डॉलर इंडेक्स में काफी ज्यादा एक तेजी का रुझान बन रहा है, और मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स 103.75 के ऊपर अगर रुकता है तो 105 तक ये मिनिमम आना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अभी हमको दबाव देखने को मिलना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पे। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि गोल्ड जब तक $1985 के ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ पे सलॉन राइज की रणनीति रखें आप। 1970 के आसपास मिलता है, 1935-36 के आसपास मुझे लगते हैं कि एक बार यहाँ तक भाव आने चाहिए। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो यस, अभी यहाँ पे भी थोड़ा मुझे लग रहा है बिकवाली रहना चाहिए। 72,600-650 के आसपास भाव मिलते हैं हमको सिल्वर में, तो यहाँ पे भी हमको बेचना ही चाहिए। 72,800 का इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये भाव हमको 71,000-70,200 तक मिलने चाहिए इस वीक। तो सेल ऑन राइज की रणनीति है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी है। ये ट्रेडर्स के लिए राय है, ये ध्यान में रखिएगा, इन्वेस्टर के लिए राय नहीं है। 72,650 पे चांदी बेचे 72,000 के टारगेट के लिए, 72,800 के लिए। दिव्या, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग युष्मान जी। गोल्ड प्राइसेस की बात करूं तो सेलिंग प्रेशर में था लास्ट वीक, ये वीक भी हमें सेलिंग देखने मिला। इन्वेस्टर जो डेट सीलिंग का जो टॉक्स है उसके आउटकम का वेट कर रहे हैं, और यस्टरडे एक स्टेटमेंट आया था फेड ऑफिशियल की तरफ से कि वो लोग रेट हाइक कर भी सकते हैं, जो कि काफी एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट था, क्योंकि लास्ट वीक फेड चेयरमैन ने इंडिकेट किया था कि अभी रेट हाइक की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि मार्केट को सरप्राइजेस पसंद है, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, तो जो ये सरप्राइज है वो उसमें हमें गोल्ड क्राइसिस के अंदर उसका रिएक्शन देखने मिल रहा है कि गोल्ड प्राइसेस जो है वापस फ्राइडे के जो लेवल्स पे आ चुके हैं उसमें एक अच्छा सा करेक्शन हमें आ चुका है। तो हम सेल ऑन राइज का व्यू रख सकते हैं गोल्ड के अंदर। 60,100 का जो लेवल है वहां पे अगर आता है तो सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 60,300 का रखें, और नीचे में हम टारगेट 59,900 का मेंटेन करें। और सिल्वर भी सेल ऑन राइज कर सकते हैं, 72,600 का रेजिस्टेंस है वहां पे सेल करें, स्टॉप लॉस हम 73,000 का रखें, और नीचे पे टारगेट हम 72,100 का मेंटेन कर सकते हैं। इस सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ गोल्ड और सिल्वर में काम करना है, दोनों एक्सपर्ट्स की राय है, और ये राय सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है। तो स्टॉप लॉस का आप ध्यान रखिएगा, 60,300 के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहां पर सोना बेचना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कल तेजी दिखी थी लेकिन आज दायरे में ही कारोबार हो रहा है। $76 के ऊपर ब्रेंट क्रूड है। इंटरनेशनल मार्केट में आज भी हल्की तेजी है, लेकिन घरेलू बाजार में MCX पर हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है। 6,000 के आसपास MCX पर कारोबार हो रहा है। दिव्या, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? अगर ऑप्शन में कोई ट्रेड है आपके पास तो वो बता दीजिए पहले। आज विष्णुमन जी, आज ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा क्योंकि जो न्यूज फ्लो आ रहे तो वैसे साइडवेज में है इसके वजह से,
क्रूअल में हमने एक देखे, आपने क्या बताया कि एक अच्छी रिकवरी हमें कल देखने मिली थी, आज हुआ साइडवेज में, क्योंकि एक सप्लाई साइड के हिसाब से अगर हम की बात करें तो कैनेडा में जो सप्लाई फ्लो है थोड़े से कम हो गए, और साथ में जो ऑयल एक्सपोर्ट है ओपेक प्लस कंट्री और रशिया की तरफ से वो भी कम हो गए आउटपुट कट के वजह से, तो ये प्राइसेस, ये जो भी है न्यूज फ्लो वो क्रूड ऑयल को सपोर्ट कर रहा है। और ऊपर में मैं बात करूँ तो 6030 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, अगर प्राइस ये लेवल पे ब्रेकआउट देते तो हमें बाई करके चलना चाहिए, स्टॉप लॉस हम 6000 का रखें और टारगेट ऊपर में 6070 का मेंटेन करें। 6030 पे खरीदारी करनी है, 6070 के लिए छोटा सा टारगेट, छोटा सा स्टॉप लॉस है। ट्रेडर्स के लिए, डे ट्रेडर, इसका ध्यान आप रखें, 6000 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड करना है। जो खरीदारी करना है, जो करंट लेवल है उससे 30 रुपए ऊपर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं दिव्या। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की, क्योंकि हमारे साथ एक मेहमान है। कॉटन को लेकर खबर ये आ रही है कि यहाँ अराइवल्स है वो अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि यार दाम आगे घट सकते हैं। अरुण सेकसरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये हो गया कि अचानक से ये आवक क्यों बढ़ गई है क्या? और मैं एक और ऐड करना ये चाहूंगा, क्या किसानों को अब होल्डिंग कैपेसिटी उनकी अब धीरे धीरे कम हो रही है, ये वजह है या कुछ और? जी की डिमांड है नहीं और फार्मर्स अभी माल सब निकालना चाहते हैं, पैनिक के अंदर है एंड उनको कोई माल रखने की इच्छा नहीं है, बिकॉज नया नया सोइंग चालू होने वाली है और बरसात का मौसम होने वाला है, तो जितनी जल्द हो सके उनको कपास निकालना है। ओके, तो क्या लग रहा है सर, क्या दाम आगे यहां से और गिर सकते हैं? अगर जिस तरह के अराइवल्स है, जो नंबर दिख रहे हैं, तो क्या दाम तेजी से नीचे आ सकते हैं क्या? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अराइवल 1 लाख के ऊपर, 1 लाख, 1 लाख 10 हजार से कभी ऐसा हुआ नहीं है मई महीने में, हमेशा अराइवल टेपर डाउन होता है, सब कारखाने बंद हो जाते हैं, अभी कारखाने भी चल रहे हैं, अराइवल भी आ रही है, तो टोटली डिमांड बेस्ड प्राइसिंग रहेगा। अगर डिमांड नहीं रहेगी तो बाजार नीचे आने की वो संभावना है, अगर डिमांड रिवाइव होती है जो होने की संभावना बहुत कमती है फिलहाल, तो बाजार अभी फॉर द पूरा टाइमिंग रेंज बाउंड रहेगा। ओके, रेंज बाउंड ही रह सकता है। लेकिन सर, बाजार में तो गिरावट काफी दिख रही है, वायदा बाजार में भी, वहां पर भी एमएसपी की तरफ, नीचे की तरफ जाता चलता जा रहा है बाजार हाजिर में, और वायदा में भी 2 दिनों में 5% तक की गिरावट आ चुकी है। देखिए, जहां तक कपास का दाम है, 8000 से चालू हुआ, 8000 के आसपास चल रहा था, 7800 से 8000 रुपये, अभी 7000, 6800 से 7000 का भाव चल रहा है, एमएसपी आपकी 63.5 है, तो मेरे को कोई ताजुब नहीं होगा अगर एमएसपी भी आ जाता है तो। तो और सीसीआई का जहां क्या तक सर, सीसीआई क्या कर रही है, क्या सीसीआई की खरीदारी की तैयारी है क्या? तैयारी तो शुरू से ही थी ना, जैसे उनकी तैयारी में तो कोई नहीं दिक्कत सर, नहीं ये थी। जो आवक है, जो अराइवल, पीक अराइवल्स है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, सीसीआई की तैयारी तो पूरे सीजन पर तैयारी है जी, उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है माल, और मेरा मेरा ये मानना है कि अगर सीसीआई एमएसपी आ जाती है तो जो पहले ये धारणा थी कि भाई अनजिंट कपास रह जाएगी, कैरी ओवर होगी, वो होने की संभावना कम की हो जाएगी। और अगर एक और चीज है कि भी एमएसपी की अनाउंसमेंट कभी आती है, वो भी इसके ऊपर भी दारा मदार है, अगर एमएसपी की अनाउंसमेंट जून में आ जाती है, जून 15-20 तारीख के बाद आती है, तो फार्मर्स को माल निकालना है तो निकाल देगा। सो ये कहना मुश्किल है कि कितना माल आएगा, बट माल काफी पड़ा था, क्रॉप में कोई कमी नहीं है, प्रेसिंग का ही प्रॉब्लम थी, और प्रेसिंग भी होने की संभावना अभी बढ़ गई है। ओके, प्रेसिंग भी होने की संभावना बढ़ रही है, तो प्रेसिंग के नंबर का नया अनुमान क्या आप पूरे सीजन के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं? और साथ ही उत्पादन को लेकर, अब अराइवल्स देख के उत्पादन के कुछ नए नंबर हैं आपके पास कि कितना उत्पादन, कुल उत्पादन रह सकता है? जहां तक अराइवल्स की है, जुलाई अप्रैल महीने में लगभग 42 लाख 8 की अराइवल आई थी, वो भी रिकॉर्ड ही था। मई महीने में भी धारणा ये है कि भी 35 लाख के आसपास की अराइवल आने की धारणा है, तो ये भी रिकॉर्ड ही रहेगा। सो मेरा मानना ये है कि क्रॉप में कोई कमी पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, 330-335 लाख 8 की क्रॉप की आने की संभावना है। प्रेसिंग कितनी होती है वो देखने के बाद है, उसका अनुमान अभी लगाना मुश्किल है, बट जो जून एंड में या मई एंड में, फर्स्ट वीक जून में अपने को थोड़ा पता चल जाएगा कि कितनी प्रेसिंग हुई है मई महीने में। ओके सर, ये मांग इतने कम क्यों है घरेलू बाजार में, क्या हो रहा है सर? सर, डिमांड के तो आपके और मेरे हाथ में तो डिमांड है नहीं, डिमांड में आप देखिए कि एंटायर वैल्यू चेन के अंदर कोई भी यार्न की डिमांड नहीं है, कपड़े की डिमांड नहीं है, गारमेंट्स की डिमांड नहीं है, चाइना के अंदर भी आप देखोगे तो डोमेस्टिक के अलावा एक्सपोर्ट के अंदर ज्यादा विशेष डिमांड नहीं है चाइना में भी, तो ये कहना कि कभी डिमांड आएगी ये मुश्किल है, क्योंकि अभी तक
जो क्रिसमस की ऑर्डर थे वो सब भी आने चालू हो गए थे, वो भी अभी कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि भाई डिमांड कभी आएगी। 6 महीने से अपन ये सोच रहे डिमांड कभी आएगी, तो डिमांड अभी आ नहीं रही है। खाली होम टेक्सटाइल्स को छोड़ के डिमांड किधर भी नहीं है। ओके, शुक्रिया अरुण जी, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, डिमांड सप्लाई से लेकर और भाव पर भी अपना आउटलुक आपने दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे दोनों मेहमान अखिलेश जी और दिव्या गगलानी बने हुए हैं। क्रूड की बात आपसे नहीं हो पाई थी अखिलेश जी, क्रूड 6000 के ऊपर, 6030 के आसपास दिव्या खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप कहां पर खरीदारी की सलाह देंगे क्रूड में? क्रूड में बेसिकली मेरा बायस तो तेजी का है, बट मैं यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है कि क्रूड एक सीमित दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डॉलर अपना रोल प्ले कर रहा है साथ के साथ। हालांकि डिमांड भी जो फैक्टर्स है या न्यूजेस है वो पॉजिटिव है क्रूड के लिए, तो मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है। 5825 और 6080 के बीच में मुझे भाव लगते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे ऑप्शंस में कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहता है तो 5950 तक अगर भाव आते हैं तो वहां पर पुट और कॉल दोनों सेल करके स्ट्रगल बनाया जा सकता है। तो हाल फिलहाल यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से क्रूड के लिए। नेचुरल गैस क्या करना चाहिए दिव्या गगलानी, कोई कॉल है क्या? 200 रुपए के नीचे वापस से आ गया है भाव। हाँ, नेचुरल गैस में मैं कल अच्छा करेक्शन देखने मिला था, वेदर फोरकास्ट जो है थोड़ा शिफ्ट हो गया है। अभी लास्ट वीक थोड़ा सा गर्म था, अभी थोड़ा सा ठंडा के और हो चुका है, तो उसके जो पावर डिमांड है वहाँ पे वो कम हो गई है डिमांड उसकी। तो मेरा व्यू सेल ऑन राइस का रहेगा नेचुरल गैस में। 190 का जो पुट ऑप्शन है वो हम 5 के आसपास बाय कर सकते हैं जून कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉप लॉस हम 3 का रखें और टारगेट ऊपर में 8 का मेंटेन करें। गैस को लेकर ये व्यू दिव्या गगलानी की आ रही है, तो दिव्या की कॉल एक बार आप दिखा दीजिए ताकि दर्शकों को आसानी होगी समझने में कि किन लेवल्स पे आपको खरीदारी करनी है। जो कॉल है 190 की पुट खरीदने की यहाँ पर सलाह है, 5 रुपए के आसपास 8 का टारगेट जा सकता है, यानी दिव्या को लगता है कि यहाँ से और नरमी देखने को मिल सकती है। मेटल की बात कर लेते हैं अखिलेश जी, बेस मेटल्स में कोई टॉपिक आज के लिए? बेस मेटल में ओवरऑल एक्टिविटी काफी नेगेटिव है, चाइना से भी अभी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है और रेगुलर सेल ऑन राइज ही हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज ही रखना चाहिए। बट अगर एलुमिनियम की स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पर एक बाय जनरेट किया सकती है 210, अगर 25 के ऊपर भाव जाते हैं 208 के एसएल से 218। हालांकि इन लेवल का ध्यान रखिए, 210-25 के ऊपर भाव जाते हैं तभी आप बाय करिए। बाकी मेटल्स में मेरा भी सेल ऑन राइज का ही रिकमेंडेशन रहेगा। जिंक ओवरऑल सेल ऑन राइज करके ही प्ले करें जब तक भाव 225-250 के नीचे है, 212 के आसपास तक मुझे लगता है। कॉपर में भी आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए 214-15 के आसपास, 1750 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, 208 और 203 तक मुझे लगते हैं नीचे के लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए। दिव्या आप क्या पसंद कर रहे हैं मेटल में, कैसे आज ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस तरह की रणनीति बनाए, क्या खरीदे क्या बेचे? जैसे कि हमने कल देखा कि बेस मेटल पैक पूरा पूरा नेगेटिव था, एक सेलिंग प्रेशर में था, ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि चाइना की ओर से एक स्टिमुलस सपोर्ट मिलेगा लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उसकी वजह से एक सेल ऑफ हमें देखने मिला। और साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी हमें एक अच्छी रिकवरी देखने मिली थी कल, आज भी कंफर्टेबली 103 के ऊपर कारोबार कर रहा है डॉलर इंडेक्स, तो वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है बेस मेटल के लिए। मेरा व्यू सेल ऑन राइज का रहेगा। शाम को PMI डेटा भी है तो ट्रेडर्स को वो भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, उसके वजह से मतलब बेस मेटल में काफी उछल तफरी आ सकती है। सेल ऑन राइज कर सकते हैं कॉपर 716 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 719 का रखें और टारगेट 712 का मेंटेन करें। एल्यूमिनियम भी सेल कर सकते हैं 209 के आसपास, स्टॉप लॉस हम 210.50 का मेंटेन करें और टारगेट 207 का रखें। अब कर लेते हैं कुछ एग्री मार्केट की, क्योंकि एग्री मार्केट पर भी काफी दबाव है। सबसे पहले ग्वार सीड और ग्वार गम, अखिलेश जी क्या लग रहा है, ग्वार सीड और ग्वार गम आज दोनों ही काउंटर में कमजोरी का रुख है, क्या यहां से और गिरावट बढ़ने वाली है? 10600 तक ग्वार गम आ चुका है, ग्वार सीड की बात करें तो इस पर भी दबाव है, दोनों में से कुछ पसंद आ रहा है? दोनों में मेरा ओवरऑल सेंटीमेंट है वो काफी टाइम से ही सेल ऑन राइज कर रहा है और मैंने हमेशा सेलिंग का ही अभी रिकमेंडेशन दिया है, तो मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे प्रेशर बना हुआ रहेगा। ग्वार गम में सेल ऑन राइज आप कर सकते हैं 11,100 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहां पे सेल करिए इसको कॉन्ट्रैक्ट को, जुलाई वायदे की मैं बात कर रहा हूँ, 11,300 का इसमें स्टॉप लॉस कर सकते हैं, नीचे मुझे लग रहा है 11,500 11,200, तो
ओवरऑल सेंटीमेंट डाउन का ही लगता है मुझे अभी गम गवा में, तो सेल ऑन राइस ही रखना चाहिए। 500 से 11,200 तो ऊपर का भाव हो गया, तो बाई के टारगेट आप दे रहे हैं, नीचे का टारगेट क्या बताया अखिलेश जी आपने? सेलिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं, 11,100 के आसपास आपको सेल करना है, नीचे में मुझे 10,500 10,200 तक लग रहा है गवां का। पुअर था आपकी तरफ से, वो तो 11,200 का टारगेट मुझे दिख रहा था इसलिए मैंने कॉल स्क्रीन पे नहीं लिया, वो 10,200 से 10,500 तक का दस हजार टारगेट दो दिख सौ दस रहा हजार था। पांच सौ ओके चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, पूनम चंद गुप्ता भी हैं एनसीडीएस के हल्दी कमेटी के वो चेयरमैन भी हैं। पूनम चंद गुप्ता जी पहले सबसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए। हल्दी में आपने कहा भी था कि ऊपर के लेवल पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए, हमने देखा था 17 तारीख को 8,400 के ऊपर भाव था, आज 7,800 आ चुका है, अब क्या करना चाहिए, यहाँ से किस तरह की रणनीति बनाना है और ग्राउंड की क्या स्थिति है हल्दी को लेकर पूनम चंद जी? अभी थोड़ी हर मार्केटों में सप्लाई भी बढ़ गई है, सांगली में क्या, अपने निजाम में क्या, निजाम में कल 14,000 बोरी की अराइवल थी सब यहाँ पर, रोड में भी काफी है और जिस हिसाब से अराइवल बढ़ी है तो डिमांड और सप्लाई में काफी फर्क हो गया है, सप्लाई ज्यादा हो गई है डिमांड कम है, और अभी जो प्रॉफिट वसूल होना तो वो तो जरूरी था ही, क्योंकि अब नॉर्मल तेजी करने से हाजिर में उतना फर्क नहीं आता जितना अपने एनसीडीएक्स में आया है, तो ये सब हालत देखते हुए इसमें अभी और 100-200 रुपए जा सकते हैं, ज्यादा भारी मंदी की भी आशा नहीं है क्योंकि यहाँ से लोगों की जो पकड़ मजबूत होते जा रही है, इसको 200 रुपए की एक टाइम पे मंदी और आ सकती है इसमें। और आ सकती है तो हेलो, तो 7,500 के आसपास है तो वहां पर क्या आप खरीदारी की सलाह देंगे पूनम चंद जी? हाँ खरीद सकते हैं सब, 7,500 पे खरीद सकते हैं, परंतु स्टॉप लेस लगा के चलना जाता है। ओके, यानी यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है इनको लग रहा है तो यहाँ पे खरीदारी करनी है। शुक्रिया पूनम चंद जी आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए मसालों में अब जीरा और धनिया देख लेते हैं, यहाँ पर भी काफी गिरावट दिख रही है, 44,000 के नीचे जीरा है, करीब करीब 2% की गिरावट दिख रही है, धनिया भी करीब 1% कमजोर है, क्या लग रहा है जीरा और धनिया में क्या करना चाहिए अखिलेश जी? नीचे के भाव में मुझे लगता है कि यहाँ पे धनिया एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें खरीदारी हम बढ़ा सकते हैं। मैं शॉर्ट टर्म के लिए धनिया के अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा, जब तक भाव 6,400 के नीचे बना हो, तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है फॉर 6,900 7,000 के लिए, और उसके ऊपर मुझे लगता है बस शॉर्ट टर्म रिकवरी और आ सकती है, तो धनिया में हम बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। जीरा में अभी मेरा हाल फिलहाल कोई स्पेसिफिक रुझान नहीं है, बट 44,000 जब तक यहाँ पे ब्रिश नहीं होता जुलाई वादा, तब तक यहाँ पे एक बाइंग बना सकते हैं 45,500 के टारगेट के लिए, बट स्पेसिफिकली कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है जीरे के अंदर, काफी वॉलेटाइल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जी, तो थोड़ा अवॉइड ही करें तो इट्स बेटर फॉर ओके, नाउ। नहीं जीरे के अंदर कोई कॉल नहीं है अखिलेश जी की, लेकिन धनिया इनको लगता है कि बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना चाहिए और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 6,400 का और टारगेट दे रहे हैं धनिया के लिए 6,800 पहला टारगेट है, वो अचीव हो जाए तो धनिया का अगला टारगेट है 7,025 का अखिलेश जी की तरफ से। चलिए अब हमारे साथ महावीर गुप्ता जी भी होंगे जिनसे हम जीरा और धनिया की बात करेंगे। महावीर जी स्वागत है आपका, आप क्या हो रहा है सर, जीरे में वापस से मुनाफा वसूली बढ़ गई है, करीब करीब रिकॉर्ड से 5,500 रुपये नीचे है, कि अब ग्राउंड की क्या स्थिति बन रही है जीरे को लेकर? नमस्कार सर, जीरे में वही बात, जी, जो बताइए। घबराहट के कारण जो मुनाफा वसूली चल रही है, और थोड़ा सा अभी एक जो बाहर की क्रॉप, जो विदेशों की क्रॉप है, चाहे वो टर्की है सीरिया है जहां भी, अभी पैदावार जो आने वाली है उसके लिए थोड़ा सा घबराहट है उसके कारण कि वो बहुत बड़े वॉल्यूम में है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, कितना आता है, कब आता है, कैसे आता है, कितना इंडिया में इम्पोर्ट होगा या नहीं होगा, या हमारे रेट्स उस समय क्या रहेंगे, वो सब चीज अभी से निश्चित करना मुश्किल है। ओके सर, भाव यहाँ पर लेकिन काफी ज्यादा है, कहा जा रहा है कि ग्लोबल भाव ग्लोबल प्राइस के मुकाबले हम उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है, हमारे प्राइस ज्यादा है, इस वजह से भी दाम यहाँ पर अब धीरे धीरे गिरने शुरू हो चुके हैं, क्या लग रहा है 40,000 के नीचे भी जीरा जा सकता है क्या? नहीं सर, मुझे तो मुश्किल लगता है कि इससे नीचे जाएगा अभी, क्योंकि हमारे यहाँ अराइवल खत्म हो चुकी है लगभग, आप ऊंझा में देखिए 5,000 बोरी भी नहीं आ रहा है, नागौर में या मेड़ता है जोधपुर सर, राजस्थान के लेकिन जो मंडिया अराइवल है खत्म हो गया, उसमें लेकिन अगर डिमांड नहीं रही अगर इंटरनेशनल मार्केट में तो क्या तभी भी दाम इस तरह सस्टेन कर पाएंगे इन लेवल्स पर?
बिल्कुल सर, मुझे तो लगता है कि अभी रुकेंगे दाम, ये एक घबराहट है। इसके कारण क्या, बाहर की जो क्रॉप का जो अनुमान आया है उसके कारण है, बाकी अब ओके। महावीर जी, अब धनिया पे बताइए, धनिया बिल्कुल चलने को तैयार नहीं है, 6400 तक फिसल चुका है, क्या लग रहा है धनिया में, कुछ ऐसे ट्रिगर आपको दिख रहे हैं जो धनिया यहाँ से चलेगी? अब धनिया में थोड़ा सा परिस्थिति बदल गई है, अब धनिया सितंबर में जाके कुछ सुधार की उम्मीद लग रही है, उसके पहले तो इसमें अभी गिरावट ही आ सकती है, क्योंकि पूरा फिनोमिनल चेंजेस जो हुआ है, अभी सब जो अरेवल अभी भी कम नहीं हो रही है, और लगातार जो एनसीडीएक्स में डीमेट हो रहा है वो भी थक जाएंगे ले लेंगे, तो उस हिसाब से हमें लग रहा है, और बाकी जो दिसावरी डिमांड है वो भी बहुत कम हो जाएगी जून जुलाई में, तो उसके कारण अभी थोड़ा मंदा आ सकता है इसमें। ओके, तो उस मंदे में खरीद ले महावीर जी, छोटा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, सबसे बढ़िया जो कॉमोडिटी है वो धनिया है अभी। ओके, यानी लगातार एक्सपर्ट से ही कह रहे हैं कि हर गिरावट पे धनिया ही खरीदना चाहिए। शुक्रिया महावीर जी आपका, और अखिलेश जी आपका, दीपक अगलानी आपका, पूनम चंद जी गुप्ता आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि नाबार्ड चेयरमैन शाजी केवी से हमने खास बातचीत की थी, रूरल फाइनेंसिंग और एग्री लोन को लेकर क्या स्थिति चल रही है, उन्होंने तमाम बातें की, आइए सुन लेते हैं। हमारे साथ नाबार्ड के चेयरमैन हैं। सर, एग्री फाइनेंसिंग काफी चैलेंजिंग होता जा रहा है, जिस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन बन रहे हैं, मौसम में जिस तरह का उतार चढ़ाव है, तो किस तरह की ग्रोथ आप वहां पर देख रहे हैं और किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं आप? तो इस बार हम ये टारगेट करते हैं कि 21 लाख करोड़ एग्री फाइनेंस में जाना है। लास्ट बजट में भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने यह घोषणा की है कि पिछले साल का जो 18.5 लाख करोड़ का जो टारगेट था वो बढ़ा के 21 लाख करोड़ तक लेना है। हम ये मॉनिटर करते हैं कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट में, बिकॉज ये ना ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा नो एग्री लोन देते हैं, प्रपोर्शन ज़्यादा है, बट सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम है। जो प्रपोर्शन को अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन विसावी लोन देते हैं, तो उस एरिया में जो डेफिसिट है उस एरिया में हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। गवर्नमेंट का ये मानना है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन है वह उधर ज़्यादा एग्री लोन भी देना चाहिए, सो उस एरिया में हम कॉन्सेंट्रेट करके इस बार का जो टारगेट है 21 लाख करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव करने की कोशिश में है। सर, जिस तरह के स्ट्रेस लेवल देखने को मिल रहा है रूरल एरियाज में, क्या लग रहा है कि उससे क्या एनपीएस कन्वर्जन ज्यादा हो रहा होगा? ऐसा है कि जो रूरल एंड एग्रीकल्चर का जो मामला देखे तो ना, जहाँ पे रूरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ज्यादा एक्टिव है उधर स्ट्रेस लेवल कम है, इसलिए कि जो रूरल इंस्टीट्यूशन है, जो रूरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है, रीजनल रूरल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, वो किसानों से ज्यादा जुड़ा है, सो उस एरिया में एग्री लोन का स्ट्रेस भी कम है। जहाँ पे कमर्शियल बैंक ज्यादातर बिकॉज कमर्शियल बैंक का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड रिटेल फाइनेंस में है, वैसे देखे तो रूरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो देखे तो वो रूरल फाइनेंस में, एग्री फाइनेंस में और फार्मर्स से जुड़ना उनका काम है, सो उधर स्ट्रेस कम है। जो हमारा कोशिश है कि जो भी एग्री लोन देना है वो ज्यादा से ज्यादा रूरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू जाना है, देना है। ओके, रूरल एरियाज में किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद आप कर रहे हैं? हालांकि आईएमडी ने सामान्य मॉनसून का अनुमान किया, लेकिन अलनीनो की भी आशंका लग रही है, इन सबको देखते हुए आपको क्या लग रहा है किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद रूरल इंडिया में करनी चाहिए? ये अगर भारत का जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो ज्यादा से ज्यादा 8 से ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए रूरल इंडिया का ग्रोथ 5% से ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए एग्रीकल्चर लोन का ग्रोथ 4% से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए हम जो एग्री इंफ्रा फंड स्कीम है, जहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर ज्यादा एक्टिव होने से एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ का उम्मीद है, दैट इज व्हाट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया।